हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो कि शंभूगंज वाला जो पेट्रोल पंप है, इधर स्टार्टिंग वाला SSPS कॉलेज से थोड़ा आगे जाके जो पेट्रोल पंप है, और शंभूगंज जो घुसते हैं इधर से, उससे पहले जो कि पुल है, जो कि इधर छठ भी होता है, उधर वाले ही रोड में आ चुके हैं। और जो कि अभी आगे चलते हैं, आपको बताएंगे कहाँ जाना है हम लोग को। फाइनली जो कि हम अपने पुल पे हैं, और इधर आगे में पेट्रोल पंप है, और इधर नीचे एक रोड गया है। उधर वाले ही रोड में एक लोकेशन मिला हम लोग को, एक ऊंचा जैसा जगह है, पहाड़ जैसा ही, बट पहाड़ तो नहीं कहलाएगा, लेकिन जगह है पहाड़ जैसा ही, उधर ही चलना है। और जो कि यहाँ पे गाइस आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आगे में पेट्रोल पंप है और इधर ही जाना है, इधर वाले रोड में। तो बन रही है इस ब्लॉग में, चलते हैं पहले उधर। चूँकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब अप्रॉक्सली वही 1 किलोमीटर होगा यहाँ से, चलते हैं पहले वहाँ। ऐसे अभी नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा थके हैं ज़्यादा इसी के कारण, और अभी उधर ही है, इधर बहुत दूर है, 1 किलोमीटर तो अप्रॉक्सली होगा ही, ज़्यादा दूर नहीं होगा यहाँ से, अब 1 किलोमीटर है बस। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ से दिख रहा होगा जो कि वहाँ कुछ वाइट जैसा, ये वाला नहीं, ये इधर वाला नहीं गाइस, इधर वाला है जो कि इधर बगल में जो है वहीं चलना है। अभी बहुत दूर है, जो कि देख रहे हैं रास्ता कितना बड़ा है, नहीं है, और वही अप्रॉक्सली यहाँ से कितना होगा आप लोगों के अंदाज से, ज़्यादा तो नहीं ही होगा। और अभी पहले चलते हैं वहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, बन रहेगा। और जो कि यही वाला रास्ता है और वहाँ है, चलते हैं अभी गाइस पहले वहाँ। चूँकि गाइस हो रहा सामने, अभी चलेंगे, इधर खेत है, खेत को ही क्रॉस करके जाना है, इधर से रास्ता है जो कि, अभी चलते हैं वहाँ पे पहले, तो आपको दिखाएंगे। और जो कि गाइस फाइनली हम जो कि पहुँच गए, आखिर में पहुँच गए, और जो कि यहाँ पे अपना साइकिल लगा दिए हैं अभी, और इधर इधर तो रास्ता नहीं है इधर से, और अभी चलते हैं ऊपर। फाइनली गाइस जो कि हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे पूरा खाली जगह है, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, पूरा यहाँ वहाँ पूरा खाली है, दिख रहा है ना, पूरा यहाँ से वहाँ पूरा। ये उधर एक रोड गया है जो कि आपको दिख रहा होगा, वहाँ बाइक जा रहा होगा, और इधर बहुत ज़्यादा पूरा खाली है, और इधर खेत के बीच में ये वाला प्लेस है जो कि बहुत ऊंचा में है, उतना भी ऊंचा नहीं है, बट आपको चलते हैं पहले नीचे से दिखाते हैं। या गाइस नीचे आ गए, और देखिए गाइस कितना बहुत नॉर्मल है ऊंचा, और अपना साइकिल वहाँ लगाए हैं, और देखिए गाइस बहुत कम ऊंचा है, बट है मस्त जगह है, प्लेस आप लोग आने का होगा तो आइएगा, आपको तो पता ही चल गया होगा किधर से हम लोग आए हैं, और गाइस अभी ऊपर आ गए। तो गाइस ये वीडियो में आपको पूरा दिखाते हैं, और वैसे तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे कि क्या है, ये नहीं है, और कितना ऊंचा है कि, और ये क्यों बनाया गया है। और एक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक और मेला भी लगा था अप्रॉक्सली कोरोना से बहुत पहले, लगभग अप्रॉक्सली देखा जाए तो 2019 में या फिर 17 में तो नहीं, हाँ 18 तक में गया होगा, लगा होगा मेला, और बस इसीलिए ये जगह फेमस है, मेला लगा था।
से भी चलते हैं पहले अंदर इसके अंदर और देखते हैं वहाँ क्या देखने के लिए मिलता है, हमको भी आइडिया नहीं है। और चूँकि देखिए गाइस यहाँ पे पूरा खाली जगह है बट कांटा वाला गाच है। आपके लिए तो इतना टा कष्ट करना ही पड़ेगा। और गाइस नीचे देख रहे हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली है क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा पूरा। और गाइस अभी इसी के अंदर खड़े हैं जो कि दिख रहा होगा, अभी इसके पीछे आ गए हैं और देखिए गाइस अभी इसके पीछे खड़े पीछे दिख रहा होगा। और पीछे वाला व्यू दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए गाइस, हाँ सब तरफ देखा जाए तो वो घास है, घास बड़ा वाला दिख रहा है। और इधर देखिए नीचे चलते हैं, देख रहे हैं पूरा खाली है पूरा। और अभी चलते हैं उधर आगे। और गाइस क्या बताएं, देखिए गाइस यहाँ पीछे से आपको दिखाते हैं। और तो भी इधर से चलते हैं पहले, गड़ता भी एक कांटा वाला सा लगा और भी पहाड़ आ चुके। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत व्यू यहाँ का, तो बनेगा इस ब्लॉग में, चलते हैं शुरू करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय श्री राम।